वेलकम बैक नाजीन। आज हम आपको बता रहे हैं आपकी बीमारियों का हल, किस तरह से आप इन बीमारियों को दूर कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। कुछ कॉल्स की तरफ आती हूँ, पर एक सवाल था जो कि ब्रेक से पहले था, वो रह गया था, उसका जवाब वो भी लूंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वो मैं समीना बात कर रही हूँ हैदराबाद से। इधर जी जी सबसे पूछना है कि मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है, हाथों से नलों की तरफ। मेरी टीबी भी हो चुकी है और ये गर्म है ना, नलों का खत्म ही हो रहा है। ये जो नलों का जो दर्द होता है, लोअर एब्डोमेन का, उसको नलों का दर्द बोलते हैं। ये यूजुअली यूरिन में इन्फेक्शन की वजह से होता है। आप अपना यूरिन डीआर चेक कराएं और फिर बात करें, फिर तो भी मैं इनको खोलने का रास्ता बता रही हूं। ठीक है समीना, आप जो है सबसे पहले ये टेस्ट करवा लीजिए, उसके बाद फिर आप बात कीजिएगा डॉक्टर साहब से। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। नेक्स्ट की तरफ आती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? जी जी कहिए, आपका सवाल क्या है? वो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं इतनी मुश्किल से मुझे कॉल मिली है। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने की थी, मेरा गला अक्सर खराब रहता है। क्या रहता है? गला खराब रहता है। अच्छा, गला खराब रहता है। फिर भी इसके बावजूद भी हम आपको गाइड करते हैं। कोई ट्रीटमेंट लेती हैं आप ऐसे इसका? आप मुझे ये बताएं, ये वॉक करने से पहले पानी या कोई एक्सरसाइज करने से पहले पानी या कुछ चाय वगैरह नाश्ता कर सकती हूँ? ठीक है, मैं बता। बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का। इनका जवाब अच्छा, पहले तो इनका गला खराब रहता है कि गला देखे तकरीबन सभी का खराब रहता है, उसमें मैं भी एक ही हूँ। कोशिश करें कि कम से कम बोले। अच्छा अभी हम आपको बड़ा मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है, कम से कम लड़कियों के लिए। आपके लिए तो खैर आपकी तो लाइन ऐसी है और मेरी भी मेडिकल लाइन है, लेकिन जहाँ कामजान हो सकता है उधर ज़्यादा अच्छा है। और कम बोलने में फ़ायदा बहुत है कि कोई ना कोई गलती में कुछ बोल ही जाते जिसकी पकड़ होती है, तो कम से कम बोलने में हर एक को फ़ायदा है। अच्छा अब मैं इधर एक आपको बात बताऊँ कि गला बहुत जानों का फ्लू की वजह से, यानी रेशा अंदर गिर रहा है, यानी बाहर गिर रहा है, यानी बाहर नहीं गिर रहा है, अंदर गिर रहा है, उससे भी तो उससे इन्फेक्शन हो जाता है। गले में टॉन्सिलाइटिस की तरफ से उसमें टेंशन आता है, उधर सा यानी गले की थ्रोट की तरफ कहीं ना कहीं इन्फेक्शन शो हो जाता है। तो हम दो चार चीज़ें भूल गए हैं। एक तो हमारी सुन्नत है कि जब हम वजू करते तो पानी खींचते हैं नाक के अंदर, बंद करते और पानी खींचते हैं फिर इसको बंद करते, तो ये वाला एक तरीका। जैसे मैं उमरा पे खास ये करती रही तो वहाँ से मेरी वॉइस बहुत अच्छी हो गई, एक फैक्टर। सेकंड, हमने जो है ना गार्गल करना छोड़ दिया है, तो नीम गरम पानी जो हमारे आते हैं यहाँ, पानी गरम ना भी हो तो थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसको गार्गल कर दें। अब मैं आपको एक कावा बताती हूँ जिनको ये मसला रहता है। देखिए आप ले लें उसके अंदर तुलसी के पत्ते थोड़े से ले लें, थोड़ा सा पुदीना ले लें अंदाजन, इसमें कोई फिक्स नहीं है, आपको जितना को पीना है, जितना स्ट्रॉन्ग पी सकती हैं उतना ज़्यादा डालें, कड़वा बहुत ना करें, नॉर्मल सा करें। 8-10 काली मिर्च, दो चार इसमें लौंग और एक दो दालचीनी, और ये और अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा हो, यानी अगर और अगर उसमें अगर आपको फ्रेश आंबा हल्दी मिल जाती है ये घर में रख लें, और जब भी मौका मिले दिन में 2 या 3 दफ़ा तो इसको कावा बनाएं। और अगर बहुत सारे लोगों को मीठा पीने की आदत है तो इंस्टेड ऑफ शुगर और मिश्री यानी या शहद या गुड़, ठीक है, और अगर कड़वा पीते हैं तो वो ज्यादा अक्सर है। अच्छा एक कॉलर है हमारे पास जो कि उन्होंने खास तौर से लास्ट टाइम भी कॉल की थी और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे इस बात का जवाब दें, तो उन्होंने और उन्होंने CNBC पाकिस्तान से जो है वो कांटेक्ट किया था और उन्होंने कहा था कि भाई हमें मेरे मसले का हाल बताइए। उनकी आज कॉल है, वो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी आप अपना नाम बता दीजिए। रुबीना। जी रुबीना, अब आप अपना मसला बताइए। जी मेरा चेहरा 2 साल से सुन हो गया है ना, पहले थोड़ा सा सुन हुआ था। चेहरा आपका सुन हो गया? जी सुन हो गया चेहरा। मुझे ये आपके बारे में थोड़ी सी डिटेल मुझे साजिद डायरेक्टर आपके बता के गए थे, मैं आपको एक अजीब और गरीब किस्म का तेल बताऊंगी, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि सुन हुआ है कि सेमी पैरालाइज हुआ है? सुन हो गया, मुझे महसूस नहीं हो रहा है कि अच्छा वो जगह महसूस नहीं हो रहा है। अच्छा वो जगह चल नहीं रही है, रुक गई है कि यानी एक जम गई है कि वो थोड़ी मूवमेंट है उसमें? कोई आपको कुछ फील नहीं होता बिल्कुल भी? फील होता है, सुन होता है, मैं हाथ लगाती हूँ तो फिर फील होता है कि मेरा चेहरा है। अच्छा और ठंडा हो जाता है ये, वो जगह ठंडी है? नहीं ठंडी नहीं है। ठंडी नहीं है, ठीक है। अच्छा और ये मुझे बताएं आपकी उम्र क्या है? 20 साल। 20 साल, और आप दुबली हैं कि मोटी हैं कि नॉर्मल हैं? दुबली हूँ। बहुत दुबली है ना,
बस ठीक, मुझे अंदाजा हो रहा था कि आपके साथ आप दुबली होंगी, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये मोस्टली मैंने डील की है, लेकिन अगर ये पैरालाइजिंग है तो शी हैव टू कनेक्ट प्रॉपर हार्ट स्पेशलिस्ट, कि अगर वहाँ से कोई मसला ना हो, ये शी मस्ट टॉक सम हार्ट डॉक्टर। अगर वो नहीं है और खाली सोन हो रहा है कि पर्टिकुलर फील नहीं हो रहा, फील नहीं हो रहा है, जैसे मैंने थप्पड़ मार दी तो भी कोई फीलिंग नहीं है क्योंकि वो डेड हो रही है पार्ट, तो उसके लिए एक हम अभी तेल बताते हैं, लेकिन हम आखिरी में बताएंगे क्योंकि वो तेल को समझाना बहुत बिल्कुल। रुबीना, आप हमारा प्रोग्राम देखती रहिए, अभी थोड़ी देर के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस तेल की पूरी रेसिपी डॉक्टर से कहना हमें बताएंगे। नेक्स्ट कॉल की तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं अमरीन बात कर रही हूँ। जी अमरीन, आप सवाल पूछिए। जी मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 4 साल पहले मेरी मिसकैरेज हुआ था। अच्छा। और उसके बाद से मेरा लोअर एब्डोमेन है वो बहुत ज्यादा। अच्छा, ये आपका पहला बेबी था कि ऑलरेडी यू हैव अ बेबीज? नहीं, मेरा कोई बेबी नहीं है, बस एक 4 इयर्स पहले मेरा 7 मंथ का मिसकैरेज हो गया। 7 मंथ, ओके। मैं आपके इसके नुकसानात बताती हूँ, फिर इसका इलाज। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का आपका। देखिए मैं आपको बताऊं, एक बैड न्यूज़ ये होता है कि 7 बच्चों की ताकत एक बच्चा लेके जाता है अगर मिसकैरेज हो जाए। तो अभी वो टेंडेंसी तो नहीं है कि एक ज़माने में मेरी जैसे सास ने 19 बच्चे पैदा किए, मेरी मम्मी ने 7, वो खाना अच्छी खुराक इतनी प्योर होती थी बिल्कुल। और अभी जो लेडी है ना, 2 बच्चे से ज़्यादा जो पैदा करती है ना, तो वो बेचारी फटीक में चली जाती है, आए दिन कोई ना कोई मसले रहता है। एक बेबी जब अंदर कंज्यूम हो रहा है, बन रहा है, तो वो सारे मिनरल्स, कैल्शियम, वाइटामिन, ब्लड सब वो खींच रहा है अपने वजूद के अंदर। तो उन दोनों में माँ को बहुत ख्याल करना चाहिए। और हमारे कल्चर में ये नहीं देखा जाता है कि औरत प्रेग्नेंट है तो उसको ज़रा सहूलतें दी जाए। हस्बैंड भी गुस्से कर रहे हैं, घर वाले भी गुस्से कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स वेरी बैड। अच्छा, इसका हल क्या है इनको? अच्छा, तो वेट ज़्यादा हो गया इन्हें। तो सबसे पहले तो ये बैड न्यूज़ देखूं कि उन्होंने एक बच्चे को नहीं, यानी उनका अबॉर्शन नहीं हुआ, बल्कि इनको 7 बच्चे की ताकत उसके साथ चली गई। अब ये ज़रा दूध है, मलाई है, मक्खन है, और वज़न भी बढ़ रहा है, तो खून की कमी भी आ गई होगी। तो ये बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि हमारा इतना मोटापा है तो खून कैसे कम होगा। तो आपको ये बता दूँ कि खून जब घूमता है तो एक गर्दिश के साथ, एक गर्मी के साथ घूमता है। अब अगर ये इस तरह की चीज़ें लेती हैं तो फिर तो उनका वेट भी होगा, कैसे बैलेंस करें? आपको यही गाइड कर रही हूँ कि ब्लड बनाने वाली चीज़ों से वजन नहीं बढ़ता। आप जैसे चुकंदर है, आप इसको रॉ खाएं सलाद के फॉर्म में, आप पालक का इंटेक जितना हल्का सा सूप में पका लें और लास्ट मिनट पे डालें तो नेचुरल। रेड मीट खाली खाएं? नहीं, रेड मीट इस मोटापे पे मैं मना करूंगी, क्योंकि इधर ज्यादा ब्लड तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के फुल चांसेस होते हैं। तो ये, और ये इतना वॉक भी नहीं कर सकेंगी क्योंकि एक तो एनर्जी लेवल डाउन है, ऊपर से मोटापे का वजन है। अब इधर इन्होंने चुकंदर ले लिया, पालक ले ली, ग्रीन वेजिटेबल्स ले ली, ठीक है, जिसमें आयरन होता है वो इस्तेमाल करें, ताकि वाटर मेलन आया हुआ है तो वाटर मेलन से इतना अच्छा वजन लूज होता है कि आपने इसको फ्रिज में रखा, छोटे छोटे लेकर आए और बीच में से काटे और आज आधा खा लिया नेक्स्ट डे, और ये शाम के 7 बजे से पहले खाना होता है और ठंडा किए बगैर वाटर मेलन ना खाए। कॉल की तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सरीन मोना बात कर रही हूं। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मोना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनफॉर्चुनेटली आज CNBC बल्कि 2-3 रोज से नहीं आ रहा है, उसकी वजह से मैं लाइव नहीं देख पा रही हूँ, तो मुझे प्लीज आप अगर ऑन एयर ऑन कॉल ही जवाब दे दें। एक तो मेरी प्रॉब्लम ये थी कि हाथ और पाँव, जो पाम्स होती है ना, पाँव का भी जो पाम्स हैं और जो हाथ के, उसमें से बहुत हीट निकल रही है आजकल, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। और दूसरी बात ये कि जो भी रेसिपीज, जो भी नुस्खे बताए डॉक्टर से कहना नहीं, काइंडली अगर आप वो फेसबुक के पेज पर अपलोड कर दें आज के दिन स्पेशली, ऑन एयर आपका प्रोग्राम आ नहीं रहा है, चैनल ही नहीं आ रहा है पूरा हमारे यहाँ। ठीक है, ठीक है, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, प्लीज मुझे ऑनलाइन ही जवाब दे दें। ये बिल्कुल, बहुत सारे नुस्खे वैसे हमारे फेसबुक पेज पे हैं, उसमें एक लिंक है जिसके अंदर आप जाएं तो उसमें डॉक्टर से कहना के बहुत सारे नुस्खे हैं। आप हमारे साथ लाइन पे रहें, मोइन मोना आपका जवाब दे देते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। देखिए ये पाँव की जलन और एंकल्स के पेन, जलन ज़्यादा ही हो रही है। बेसिकली क्या है कि अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट यूरिन इन्फेक्शन, ये मोस्टली रहता है पाकिस्तानियों को, क्योंकि एज अ मुस्लिम कल्चर इसकी बजाय मैं ऑन एयर नहीं बता सकती, लेकिन पानी का इंटेक अच्छा रखें। और अभी मैं जो पानी बनाना सिखाती हूँ,
अभी आपने फेसबुक का बोला है ना, तो मुझे प्लीज जरूर बताइएगा, क्योंकि जब लोग टोटके पूछते ड्यूरिंग वर्क मुझे बहुत डिफिकल्टी होती है। फेसबुक पे बहुत सारे नहीं, आप आज मुझे लिखा दें तो मैं सबको वो ये बता दूं। अब देखिए कि अभी जो है ना लोगों ने तीन प्रोसेस, कोई बात नहीं, तीन प्रोसेस गलत कर दिए हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि हमने फ्रिज को बहुत इन कर दिया क्योंकि गर्मी बहुत है, आप मटके इन करें, उसकी जो फ्रिज के अंदर जो गैस बनती है जिसकी वजह से कूलिंग आती है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अब उस कूलिंग को हम कैसे कंट्रोल करेंगे कि मटकों की तरफ चले जाए? आप यकीन करें मटके के 8 ग्लास बहुत होते हैं, फ्रिज के 50 ग्लास भी कम हो जाते हैं, क्योंकि वो सब यही सब कहते हैं इतना तो पानी पीते हैं, पता नहीं क्यों पानी की कमी नहीं, इसकी वजह ये कि एक तो प्लास्टिक की बॉटलों में रहता है, प्लास्टिक के फाइबर्स के अंदर वो फ्रिज होता है, और अगेन टॉप ऑफ दैट वो कोई गैस पे वो कूलिंग दे रहा है, तो ये सब नुकसान है। हमारे जमाने में इतने फ्रिज नहीं यूज होते थे। और क्या वो हल करें? इसके लिए मटके ले आए घर में, उसमें एक कपड़े का पोटला बनाएं जो मैं अभी बता रही हूँ। अभी इस वक्त मोतिया बहुत जबरदस्त इन है, और गुलाब, देसी गुलाब 10 रुपए के ले लें, 3-4 दिनों उसको इस्तेमाल करें, वॉश करके उसको एक कपड़े में बांधे रुमाल में और वो मटकों में फेंक दें। पानी के कलर को ना देखिएगा क्योंकि हल्का सा चेंज आएगा कलर का, और पानी उबला हुआ मस्ट होना चाहिए। अब आपने ये पानी जो है ना दिन में 3 से 4 दफ़ा पिया, 6 दफ़ा पिया, और सबसे बड़ी बात इसी पोटले के अंदर बारले डाल दें, पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक नीचे जम जाता है और इसकी अजीब सी स्मेल होती है, लोगों को पसंद नहीं आती है। थोड़ा सा फ्रेश बाले डाले, वो पानी में खुद ही फूल जाएगा उसी गुलाब के अंदर, मोती के अंदर, एक कपड़े में बांधा आपने डाल दिया, और दिन में 5 से 6 यानी 8 से 12 ग्लास जो पीने हैं और बैठ के पिए, और कोशिश करें बड़ी सांस जैसे मैं खींचती हूँ पानी यानी उसमें उतारते हैं, इस तरीके से पानी पिए। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी कॉल लूंगी, उसके बाद ब्रेक का वक्त हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात हीना बात कर रही हूँ कराची मलीर कैंट से। हाँ जी हीना, अपने ससुर के बारे में पूछना है। जी जी। तो उनको 2 साल पहले ना अटैक हुआ था फालिश का ना, उनकी सिस्टर की मतलब डेथ हो गई थी, तो उसके बाद शायद कुछ ज्यादा क्योंकि बहुत मोहब्बत करते थे ना उनसे, तो उनकी फिर उसके बाद ना उनको हमने एडमिट करवाया था, पूरा मुंह पे पूरे मतलब पूरी बॉडी पे था ना, अब वो माशाल्लाह 2 साल में इतना कवर हो गया, सिर्फ एक हाथ है जो राइट हैंड है, जो उंगलियां बिल्कुल मूव नहीं करती, वो कहते हैं डॉक्टर के काफी टाइम लगे। मैं कहती हूँ डॉक्टर से कहने से कोई ऐसा तेल बताया, हाँ लेकिन तेल भी लगवाया, नहीं नहीं मैं आपको अभी बता, काला खून मतलब खून भी लगवाया, सारा कुछ किया, सिर्फ अब देखिए माशाल्लाह इतनी माशाल्लाह केयर की है मेरे देवर ने कि वो माशाल्लाह खड़े हो गए, चलने लगे, लेकिन माशाल्लाह बिल्कुल इसका अजर जरूर उनको मिलेगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी अभी देखें ये जो प्रोसेस था, आपको ब्रेक में जाना था कि अभी हमने बात करनी है, जल्दी से बता दीजिए उसके बाद। अच्छा देखिए ये ट्रीटमेंट ये है कि ऐसे ये जो नमक मिलता है बाजार में, ऐसे छोटा सा गोला ले ले, और जो इनका हाथ चल नहीं रहे ना तो बैठ के उसको पकड़ के यूँ चलाते रहे। अच्छा। तो ये जो है ना एक इसमें से एक पसीना निकलेगा और एक नेचुरल हीट इसमें जाएगी, इसको बोलते हैं जैसे मैं अपन जो ये यूज़ करते थे लाहौरी नमक जो हमने छोटे छोटे बनाए थे, तो ऐसे चलाते रहेंगे ना ऐसे ऐसे वो चलने लग जाएगा। अच्छा। एक तो ये फैक्टर यानी उसके यानी पोर्स खुलेंगे, टॉक्सिक आउट होगा और एक एक्सरसाइज हो जाएगी, और ये जो ऑयल है अब मेरे ख्याल से उसकी इजाजत है कि नहीं, पहले ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आके एक ऑयल की रेसिपी जो बताने जा रही है डॉक्टर से कहना आप प्लीज नोट कर लीजिएगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद देखते रहिए घर का खर्च।